ओ एना पुत झाली मापे ओ सो सो सुखाने मनोंदे ओ नित बंदी दे निया जा ओ था तम तेरे गड़ोंदे ओ वड़ी हो के उल्हा दी जागा गले तो फड़े मेरे रबा बाप की करे ओ सवेले दास मेरे रबा बाप की करे ना पुत्र हाली माते सौ सौ सुखा ने मनोंदे था था मथेरा गड़ोंदे वेले दास मेरे रबा बाप की करे ओ सवेले दास मेरे रबा बाप की करे बच्चा पैदा हो जाता है माता पिता उसी टाइम दे अपने पुत्र दा भला मांगदा मेरे पुत्र दा भला होना चाहिए जे मर्जी सूल पुत्र चुभदे ते दर्द माता पिता नूं होंदा मेरे पुत्र दे सूल चुभदी जाए सूला पुत्रा दे चुबे जन्म पे आ दी जाए बड़ी होके उल्हा दी जगा गले तो फड़े ओ सवेले दास मेरे रबा बाप की करे ओ सवेले दास मेरे रबा बाप की करे ओ सवेले दास मेरे रबा माँ बाप की करे बापे जो भी कमांदे ओला दली बनोंदे हो पामे करो मजदूरी पामे मांग के ले आंदे पामे करे मजदूरी पामे मांग के ले आंदे सोचता भी कालू मेरी औलाद एना कहे भी मेरे माता पिता ने मेरे लिए करे भावे मांग के लियावे भावे मजदूरी करे अपनी औलाद खातर दुनियादारी के कुछ ना कुछ बना के जाता मापे जो भी कमांदे औलाद ली बनांदे हो भावे कर मजदूरी भावे मांग के ले आंदे मांग के ले आंदे होके भुला दी जादा गल तो खड़े उस वेले दास मेरे रबा बाप की करे उस वेले दास मेरे रबा बाप की करे उस वेले दास मेरे रबा बाप की करे प्योई कहीं से आया ते मां तुझे ही से आई
एक प्यो ने सभी परिवार नु पाले जिते परिवार का फर्ज बनता प्यो नु पालन का उस टाइम अपने माता पिता के बंडवारे लग जाने आपां। जे घर दे विच परमात्मा दो दो पुत्रां नूं दाता बख्श दिंदा है, जे कोई घर दे विच शार पुत हुंदा है अपने बापू जी की नहीं देखता भी हालत बापू के हड्ड पैर चलते पे क्यों ने अपने हिस्से विच ले दी है भी बापू जी होर कमा के दूगा। बापू नूं अपने हिस्से विच ले लैंदा और माता नूं दूए हिस्से विच दे दिंदा भी इन्हें किहड़ा कमाणा इन तां बैठ के हुण खाणा हुंदा। इस सज्जन प्रेमी कारण भगवान महाराज के बापू कमांदा गया और बुजुर्ग होंदा गया। 80 साल दे उम्र दे विच बापू जी पहुंच गए और बापू जी मंजे ते बह गए ने। घर दे विच आ गई बहु पढ़ी लिखी भी जिन्हूं ज्यादा सूझवान कहने हैं, जिहड़ी ज्यादा अकलवान होंदी है ज्यादा पढ़ी भी होंदी है। 80 साल दे उम्र दे विच वैसे बजुर्ग नूं खंघ छिड़ जांदी है। ये बापू जी मंजे ते बैठे खंघी जांदा थुकी जांदा है। वह पढ़ी लिखी भी लड़की बापू तो नफरत करती है भी साढ़े घर के पढ़े लिखे बंदे आने बापू थुकी जाता खंघी जाता है, सभी लोग नफरत करते नफरत आप करती है। घर वाले आवाज मारती है ए जी हाँ जी फिर हाँ जी का नौकर हो गया। कदे अपने प्यो न सारी उम्र हाँ जी कह के नहीं बुलाया, जिस टाइम घर वाली ने आवाज मारी है हाँ जी दसो जी इतने की कहानी आ कि तेरे प्यो का मंजा राह चढ़ाया हो अपने घर के पढ़े लिखे बंदे आने सूझवान बंदे आने तेरे बापू तो नफरत करते तेरे बापू का टिकाणा लभ कि पिंड बापू का मंजा चक के तूड़ी वाले कोठे की चकेर बापू के बर्तन भी अलग करते भी कितने मेरे न्याणे टीवी ना हो जाए। इस सज प्रेमी छोटा बच्चा बापू का पोता पैदा होया वा घर के बॉल नाल खेडता फिर छोटा बच्चा बॉल नाल खेडता फिर ऐसी बच्चों तो बॉल तिड़की है तूड़ी वाले कोठे बॉल पहुंच गई। ओहो जेडे बापू के मिट्टी के भांडे दे हुए हैं मिट्टी के भांडे में जब जाके बॉल बजी और बापू के बर्तन टुट गए ने। जिटा छोटे बच्चे ने आण के उस महापुरुष के दर्शन करे हैं कि महाराज तुसी कौन हो, जे तो दादा जी बाहर बैठे हो तो पुत्र पता लगे मेरे दादा जी लगते हैं कि दादा तो बेचारा तूड़ी वाले कोठे के घेरा बया हो पता है मेरे दादा जी लगते ये बापू जी फरमा रहे पुत्र मैं तेरा दादा वो छोटे बच्चे ने मत्थे ते हाथ मारे कि तुसी मेरे दादा जी लगते हो मे तो बड़ी माड़ी होगी तेरे बर्तन टुट गए ने। कोई गल नहीं पुत तेरा डैडी होर लैन